नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सलेन पारसर। शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की। तो वहीं नरसिंहपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई में गांजे से भरी फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त की गई। गांजे की कीमत लगभग 90 लाख बताई जा रही है। अपनी जान जोखिम में डालकर हथियारबंद स्मगलरों ने निहत्ते की भिड़ गए नरसिंहपुर पुलिस से। फॉर्च्यून गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ होने की खबर पर फिल्मी स्टाइल में गाड़ी का पीछा किया गया। पीछा करते हुए करेली नरसिंहपुर की सीमा पर पकड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी पुलिस के पीछा करने से घबराए स्मगलर ने गांव के कच्चे रास्ते पर ही गाड़ी को छोड़ भागे। पुलिस ने जांच की तो गाड़ी में भरा था लगभग 307 क्विंटल गांजा। पुलिस राजस्थान नंबर की फॉर्च्यून गाड़ी को जब्त कर जाँच में जुटी। नरसिंहपुर कोतवाली और करेली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से नरसिंहपुर से अंकित नेमा की रिपोर्ट। जब्त किया गया है। दरअसल ये गाड़ी नागपुर से होते हुए राजस्थान की ओर जा रही थी। यूजुअली गांजा का जो मूवमेंट होता है वो आंध्र उड़ीसा बॉर्डर मलकानगिरी से जो है ये गांजे को जो है लिफ्ट करते हैं, नागपुर और बेतूल और अदर इन रास्तों को पकड़ते हैं या सिडनी का रास्ता लेते हैं और लेकर के फिर जो है नरसिंहपुर होते हुए ये राजस्थान की ओर जा रहे थे। इसमें पीछा किया गया। पीछा करने के बाद एकदम रफ्तार बढ़ा दी और जब भागने लगे तो गिदवानी पे वहाँ पे जल भराव की स्थिति होते हुए वहाँ पर जो है वो